हेलो दोस्तों, मैं संजय लाल शाह, आपको संजय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में स्वागत है। और आज है जो हम क्लास ले रहे हैं, क्लास में कंट्रोलर के बारे में बात करनी है। कंट्रोलर के कितने सेक्शन है, कंट्रोलर में कौन कौन सेक्शन से कैसे क्या वोल्टेज निकलना है और किस सेक्शन में क्या काम है, तो आप लोग का तो कंट्रोलर जो बताना है। तो कंट्रोलर का पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। कंट्रोलर का डायग्राम बना के और उसके बाद उसमें समझाएंगे कि क्या है। तो कंट्रोलर में क्या है, कितने सेक्शन है, देखिए इस कंट्रोलर में कितने सेक्शन है, है? 1, 2, 3, ये तो ऊपर का है जो ग्रीन वायर, ब्लू वायर और रेड वायर से हम समझ जाते हैं, 1, 2, 3, ठीक है। दूसरी जो है इस सेक्शन में इसका जो है एक आईसी सेक्शन है और एक इसको सप्लाई सेक्शन बोले, 5 वोल्ट बोलते हैं लेकिन हम उसे क्या बोलेंगे, सप्लाई सेक्शन, इसलिए क्योंकि यहाँ से सप्लाई इसको भी दे रहा है और आगे भी जो इसका जो सर्किट है इसको चलाने के लिए दे रहा है, ठीक है। तो 5 वोल्ट का सर्किट और ये आईसी सेक्शन और ये 3 जो अलग अलग फेस है उसके सेक्शन, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है इसका डायग्राम पहले समझ जाइए, समझ जाना डायग्राम समझ जाना ही आधा मैकेनिक हो जाना उसकी पहचान है। अगर किसी चीज को डायग्राम दे दिया जाए, जैसे मेट्रो बना हुआ है, मेट्रो के अंदर के डायग्राम अगर दे दे कि इस तरह से इसका इंजन काम कर रहा है, तो शायद आधा मैकेनिक आप हो सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा जानकार हैं तो ठीक। उसी तरह से अगर इसको कंट्रोलर की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो इसका डायग्राम आप समझेंगे कि कौन कौन सा सेक्शन है इसमें, किस सेक्शन का क्या काम है, अगर ये जान जाते हैं तो फिर रिपेयरिंग भी आसान हो जाएगी। तो जैसे देखिए इसमें पहले तो देखिए जो मॉस्फेट सेक्शन है वो 3 मॉस्फेट के सेक्शन है ना, 1, 2 और ये 3, ठीक है। मतलब ये 3 सेक्शन जो है ये मॉस्फेट के तीनों, ग्रीन ब्लू रेड जो है, ठीक है। अब 3 सेक्शन है, इस तीनों सेक्शन को राकेश इधर ध्यान, तीनों सेक्शन को, ये मॉस्फेट का सेक्शन है, ये भी है, ये भी है, तो यहाँ से क्या जाती है, ब्लू की वायर, यहाँ की ग्रीन की, यहाँ की येलो की। ये जरूरी नहीं कि येलो ब्लू ग्रीन आपस में एक जैसा हो, चेंज होते रहता है, ठीक है। तो अब इनके जो है यहाँ पे 4 मॉस्फेट है, 1, 2, 3, 4, इधर भी है 1, 2, 3, 4, ये है 4, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे हम 4 क्यों लिख रहे हैं, 3 भी हो सकता था, है ना। तो हम अभी आपको 4 मॉस्फेट वाले जो कंट्रोलर है इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये कम वाटेज का होगा तो इसका जो जितने भी मॉस्फेट लगे हैं उसका वाटेज के हिसाब से लगाया जाता है। अगर मान लो ये 250 वाट का होता तो 250 वाट में क्या होता कि इसका वाटेज कम करने के लिए मॉस्फेट भी कम करता। तो जितना ज्यादा, जैसे बाइक का लेंगे तो हो सकता है और ज्यादा मॉस्फेट हो, और अगर कार का लेंगे तो और ज्यादा मॉस्फेट हो, या मॉस्फेट ज्यादा नहीं बढ़ाया तो उसका जो काम करने का जो एम्पियर और वाटेज का है वो ज्यादा होगा, तो फिर कम लगा सकता है। जैसे मान लीजिए 10 वाट का है तो हम 40 का इधर लगा रहे हैं, 40 का उधर लगा रहे हैं, लेकिन अगर उसको बनाना है उससे ज्यादा वोल्टेज का, 72 वोल्ट का और ये 48 वोल्ट का है, तो उसमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए। वाटेज ज्यादा करने के लिए हो सकता है मॉस्फेट का ही वाटेज बढ़ा हो, तो फिर वो भी 4 ही लगेगा, लेकिन किसी किसी में जिसमें वाटेज कम की लगी होगी तो उसकी संख्या बढ़ जाएगी। जैसे ये बाइक की ले लो, बाइक की जो है साइकिल का ले लो, साइकिल में कितने लगी है, 24 वोल्ट में 2 मॉस्फेट है ना, और जो उससे बढ़िया वाली है उसी में आप लगा रखे हैं 8 मॉस्फेट। तो उसी हिसाब से आपको देखना है कि किसका किसका काम है। अभी है जो हम ये 48 वोल्ट और ये 1000 वाट, 1500 वाट दोनों में आता है, ये वो है, ठीक है। अब ये जो उसके वाटेज के हिसाब से इसमें 4 मॉस्फेट लगे हैं, 4 मॉस्फेट लगे हैं, इसको चालू कैसे करना है, 4 मॉस्फेट लगे हैं और इधर जो है एक सर्किट है जो ये इसमें जो कंपोनेंट्स है, ट्रांजिस्टर है ना, ट्रांजिस्टर मान लो 3 है और रेजिस्टेंस है ना, तो ये जितने भी रेजिस्टेंस है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे ही तीनों सेक्शन में है, एक साइड भी ऐसे ही है, यहाँ ट्रांजिस्टर जितने भी होगा इसमें इसके रेजिस्टेंस से जुड़ा होगा, ठीक है, ऐसे ठीक उसी तरह से नीचे भी है, तो हम इसे एक सेक्शन मानते हैं, ठीक है, और इसे दूसरा सेक्शन,
अब देखो यहीं से कंफर्म हो जाता है, ये एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन है। अगर सेक्शन को छोटे छोटे सेक्शन में बांटेंगे तो फिर ये हो गया अलग सेक्शन, वो अलग हो गया, वो अलग हो गया। तो ऐसे नहीं हम करेंगे, हम एक सेक्शन इसको मानते हैं, एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन। तो एक सेक्शन में जैसे रिपेयरिंग होगा या जो जो कंपोनेंट्स लगा होगा, जिस तरह से वैल्यू आएगा, जिस तरह से वोल्टेज आएगा, सब सेम आएगा। कितना आसान है, आसान नहीं है। अगर मान लो ये तीन सेक्शन में एक सेक्शन हम जान जाते हैं तो दो सेक्शन तो बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। अगर एक सेक्शन में खराबी है, दो सेक्शन को ठीक करना, दो सेक्शन ठीक है और उसको देख के कर लेंगे तो भी आसान है। लेकिन अगर कोई और सेक्शन में जाएंगे, जैसे एलईडी टीवी में जाएंगे या सीआरटी टीवी में जाएंगे, पहले ऐसा नहीं था, वो और कठिन था, ये तो आसान है। वो कठिन इसलिए था क्योंकि उसमें जो भी खराबी होगी तुम्हें अपने माइंड से ठीक करना है, या अगर दूसरा कोई टीवी हो तो उसको फिर चला के देखना पड़ेगा अलग से रख के। लेकिन ये तो इसी में है, तो हम तो हाथ के हाथ इसमें वोल्टेज देख कर रहे हैं, हाथ के हाथ उसमें भी देख रहे हैं, तो क्लियर हो जा रहा है कि इसमें कम हो रहा है, उसमें ज्यादा आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, आसान हुआ। तो ये इसको रिपेयर करना बहुत आसान है, बस समझने की बात है, समझने की बात है। अब इसमें क्या है कि दूसरा एक और है, ये सप्लाई सेक्शन, ठीक है, जिसमें 5 वोल्ट और 14 वोल्ट बनता है। तो ये यहाँ से आउट हो रहा है 5 वोल्ट और 14 वोल्ट, ये आउट हो रहा है, और इन कितना होता है 48 वोल्ट, है ना, कितना होता है 48, हाँ 48 वोल्ट। तो 48 वोल्ट होता है, अगर 72 भी हो जाएगा तो भी 5 ही और 14 निकलेगा, 14, 15, 13 भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो जीनर लगा होता है वो 15 वोल्ट का, 14 वोल्ट का भी लगा होता है, तो हम इसलिए 14-15 करते हैं। असल में 14-15 की जरूरत क्यों है, 14-15 की जरूरत है इनके जो निगेटिव साइड में जो होता है, ये एक नीचे साइड निगेटिव मान लो या ऊपर साइड का निगेटिव मान लो, एक निगेटिव सेक्शन है, एक पॉजिटिव सेक्शन है, ठीक है, जो 48 वोल्ट का जो है, इसका मेन जो मोटी वाली तार है उसकी एरिया तो नीचे मान लो या ऊपर मान लो, जिसमें भी मान लो, तो जो निगेटिव वाले सेक्शन में 5 वोल्ट चाहिए, ठीक है, चाहिए 5 वोल्ट 14 वोल्ट दोनों चाहिए, तो 5 वोल्ट 14 वोल्ट उसको देता है, तो इसलिए यहाँ पे जरूरत है। अगर यहाँ 13 वोल्ट भी हो जाएगा तो भी चलेगा, तो यहाँ पे जीनर लगा होता है 15 वोल्ट का, इस कारण से 15 वोल्ट फिक्स मानी है, 15 वोल्ट 4744, ठीक है, ये 15 वोल्ट। अच्छा ये तो हो गया, अब इधर है जो आईसी सेक्शन है, इसका काम क्या है, यहाँ पे आईसी सेक्शन है, ठीक है। अब इसमें तो इसमें जिसमें हम बात कर रहे हैं उसमें कितने पिन का है, 11 11 11 और 11, यानी 44 पिन का है, ठीक है, ऐसी कोई भी नंबर होगा 44 पिन का होगा, और जरूरी नहीं कि सब कंट्रोलर में 44 का ही होगा, किसी और कंट्रोलर में जाएंगे तो कम होगा, तो उसकी बात नहीं करनी है। इसमें जो लगी है ये 44 पिन की है, और इसका काम क्या है, इसका काम है इस सर्किट को, इस सर्किट को, उस सर्किट को, उस सर्किट को, उसको उसको, इन सबको ये चलाना, इस आईसी का काम है। पर इस आईसी का काम है चलाना तो है, लेकिन इसको चलाने के लिए ऑटो में वोल्टेज तो चाहिए, 5 वोल्ट तो चाहिए, लेकिन इसको चलाने के लिए इसको एक मैनुअली चलाया जाता है, जैसे हम एक्सीलेटर देते हैं तभी चलता है, एक्सीलेटर देते हैं जब चलता है, और ऑटोमेटिक अगर कर देंगे तो ऑटोमेटिक में क्या होगा कि सेट कर दिए चलना शुरू हो गया, तो वो क्या है कि अगर पीछे से आवाज आ गई चार सवारी की, और चार सवारी आवाज दे रहे हाँ भाई, तो उसके तो बिल्कुल ही रोकना नहीं, तो हमारी चार सवारी छूट जाएगी, तो चार सवारी पकड़ना है पहले, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे पीछे से एक्सीडेंट हो जाए, उससे लेना देना नहीं है, चार सवारी पकड़ना है, तो चार सवारी पकड़ने के मैनुअली है, तो क्या है पहले ब्रेक मारो, हैंडल भी, एक्सीलेटर भी बंद करो, ये सारा चीज करते हैं, तो अगर हाथ में है तो ऑटोमेटिक रहेगा तो नहीं होगा, तो मैनुअली है, मैनुअली हम सिलेक्टर को बंद करते हैं, नहीं भी बंद करेंगे तो पैर से दबाएंगे, और अगर उसका जो ब्रेक का जो कनेक्शन किया होगा इस कंट्रोलर से, देखो कंट्रोलर का काम क्या है, कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग किया हुआ है कि क्या चीज करेंगे तो क्या काम करेगा। जैसे हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक का जो जैसे ही सिग्नल वहां पे आएगा, उसका स्विच है जो उसमें काम करेगा, उसका सीधे वोल्टेज इसमें ब्रेक का लिए जो होता है ब्रेक लेवल, उसके वहां वोल्टेज जाएगा, और ये सीधा आईसी काम करना बंद कर देगा। जब आईसी बंद कर देगा तुम एक एक्सीलेटर भी दो तो भी नहीं चलेगा, तो ये सारा कुछ इसमें फिट किया हुआ है, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए, कई बार ऐसी दिक्कत आती है कि सब कुछ ठीक है सर चल नहीं रही है, तो भी ये फॉल्ट हो सकता है, हैंग हो रहा हो या सॉफ्टवेयर क्रैक हो रहा है, दोबारा बंद करते हैं चालू करते हैं पकड़ ले रहा है, बार बार नहीं चल रहा है, ऐसा हो सकता है।
हो सकता है कि रेस दे रहे हैं बैक हो रहा है, बैक दे रहे हैं रेस दे रहा है, वो हो रहा है, वो भी इससे हो सकता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग ही सारा किया हुआ, प्रोग्रामिंग फेल हुआ तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आदमी को एक जो दिमाग में है, अगर वो पागल हो जाए तो कभी ठीक भी हो जाता है, कभी पागल भी हो जाता है, ठीक उसी तरह से ये भी है। तो उसको तो समझना है, लेकिन बाकी चीज जो है नॉर्मली जो खराबी होती है वो तो करना ही है। मतलब ये इधर का सेक्शन ठीक है और 5 वोल्ट भी ठीक है, तो इसमें तो 100% ठीक करना पड़ेगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें ज्यादा ज्यादा 5-6 रेजिस्टेंस है, 3 ट्रांजिस्टर है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो इसको सारे चेंज कर दो, क्या दिक्कत है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ दिन बाद ऐसा एक प्लेट लाऊंगा जो इस सर्किट को अगर कोई खराबी है आपसे निपट नहीं रहा या सही नहीं हो रहा, तो ऐसा नया बोर्ड आपको बनाएंगे जिसमें मॉस्फेट लगा होगा और उसमें सारी रेजिस्टेंस जो भी होगा उसका कनेक्शन होगा, सिर्फ आपको तार जोड़नी है और ये आप चला सकते हैं। ऐसा मैं कुछ दिन में लाऊंगा। और इसके एक और भी बता दूं कि ये 5 वोल्ट का भी सेक्शन मैं इसका डिजाइन कर रहा हूं। अगर डिजाइन पास हो गया तो ये बन के आपको ये मैं सेल करूंगा, जब मैं यूट्यूब में दे दूंगा ये सेल करूंगा। जब क्या होगा, जब 4-5 तारे जो होगी इसकी निकली होगी उसको आपको उसमें लगाना है, जोड़ना है, और ये फिर 5 वोल्ट बना बनाया मिल जाएगा आपको। ये सर्किट बंद हो जाएगी और वो सर्किट जो हम देंगे वो चालू हो जाएगा, ये कुछ ही दिन में आपके पास आएगा। तो इसे इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, अभी हम इस कंट्रोलर के बारे में बता रहे हैं कि ये जो कंट्रोलर का 3 फेस है, तीनों फेस में ये IC और ये 5 वोल्ट को लेना देना है, और इस तरह से डायग्राम है। अब इसमें कुछ समझ में दिक्कत आ रही तो बोलो बोलो, कुछ दिक्कत है कि डायग्राम में ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, कुछ नहीं। देखिए ये जो है इसमें ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस सब 5 लगे होते हैं। आपको मैंने जो बोर्ड दिखाया था, जैसे ये बोर्ड में ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 3 ट्रांजिस्टर है और ये रेजिस्टेंस है, ये इस सेक्शन इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। अगर इसमें जो भी 4-5 रेजिस्टेंस होंगे, 3 ट्रांजिस्टर होंगे, तो ये सेम 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 ये तीनों साइड होंगे। ठीक है, उसके नीचे वाले जो ये है इधर भी सेम सेम सेम। तो आपको हम जो बताएंगे एक सेक्शन बताएंगे चाहे कोई भी सेक्शन, तो दूसरा तीसरा तो आप समझ ही जाएंगे, इसके ज्यादा काम तो है नहीं। अब रही बात की इसमें ये कहाँ जा रही है, ये मोटर में जा रही है, मोटर हाँ, वो मोटर के तार जाए, एबी मोटर का, वो भी मोटर, एबी मोटर के, ये तीनों तार मोटर की है, मोटर की तार है। मोटर को यहाँ पे जोड़ने के काम क्या है, क्योंकि यहाँ से बैटरी से मोटर को चलानी है, बैटरी से मोटर को चलानी है, तो हम मोटर में तो कनेक्शन करेंगे, तो मोटर को इस तरह से बनाया गया कि उसमें हाई लोड ले, ज्यादा लोड ले, उसके हिसाब से बनाया गया। तो उसके हिसाब से ये मोटी तार है और उसके हिसाब से ये मॉस्फेट की गिनती भी बढ़ती है, और जो लेवल जो है इसका चौड़ा सा मोटा सा कर रहा है, इसीलिए कर रहा है कि अगर ज्यादा पावर का वोल्टेज दे रहा है, ज्यादा एम्पियर, ज्यादा वाटेज का दे रहा है, तो इसमें कोई कमजोरी ना रह जाए, इस कारण से ये डबल लेआउट जो है ये करके उसको दिया है। तो ये 5 वोल्ट ये जो ये यहाँ पे वोल्टेज कितना निकलेगा, अगर ये 48 वोल्ट की है, अगर ये 48 वोल्ट की है तो इसके आधा वोल्ट निकलेगा, ये 48 वोल्ट की है तो ये आधा वोल्ट निकलेगा, अरे 24 निकलेगा। अगर ये 60 वोल्ट की होगी तो कितना निकलेगा, 60 में, अब 72 होगा तो 36 वोल्ट। तो कहने का मतलब है कि अगर मोटर कोई किसी की गाड़ी जो कहती ज्यादा तेज चल रही है या ज्यादा स्पीड की चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे वोल्टेज बढ़ानी पड़ती है। जैसे बाइक वाले अभी माल मांग रहा है कि बाइक दीजिए सर मुझे 100 की स्पीड चाहिए, तो 100 की स्पीड के लिए ना उसकी बैटरी की पावर भी होनी चाहिए ज्यादा। अब बैटरी लगाओगे तुम साइकिल वाली और स्पीड खोज रहे हो बाइक वाली, तो उससे तो नहीं होगी। तो इसके लिए उसके हिसाब से कंट्रोलर, उसके हिसाब से मोटी तार और उसके हिसाब से वो बैटरी लगेगी। तो ये तो बाकी बातें, अभी डायग्राम की बात कर रहे थे हम। डायग्राम में देखें 3 जो सेक्शन है 3 अलग अलग है, और तीनों में जो है कंट्रोलर, ये सर्किट कंट्रोल सर्किट बोलिए है ना इसको, लेकिन ये अपने मन से नहीं चलता है, ये सर्किट आपके मन से नहीं चलता है, इसको ये चलाता है हाँ, पर ये कुछ जो है अपने से करता है, कुछ मैनुअली करता है, मैनुअली जैसे एक्सीलेटर है ना, जब तक हम देंगे चलेगा नहीं, हाँ ठीक है। और उसके बाद जो है ब्रेक वाली जो है वो ब्रेक देंगे तो ब्रेक का काम करना लग जाएगा, और भी कई चीज है जो ये मैनुअली काम करता है। अभी अभी इसमें आप कैसे क्या समझेंगे कि तार कहाँ से आ रही है, किधर से जा रही है, उसकी बाद में बात करेंगे। अभी डायग्राम है तो मैं दोस्तों आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर डायग्राम आपको अच्छा लगता है या फिर इससे भी कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए,
और अगर क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं तो कभी भी मेरे को कॉल कीजिए। अगर मैं फोन नहीं उठाता हूँ तो आप बेफिक्र रहिए कि मैं आपको दोबारा कॉल जरूर करूंगा, चाहे एक दिन बाद हो या एक घंटे बाद हो, मैं कॉल जरूर करूंगा। कोई भी सामान अगर खरीदना हो तो खरीद सकते हैं। इस कंट्रोलर में जितने भी सामान हैं आपको मिल जाएंगे, कोई एक रेजिस्टेंस, कोई एक पीए, कोई एक मॉसफेट, जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। एक्जुम चार्जर का, यूटीएल चार्जर का और इसके और हब मोटर कंट्रोलर, ये सब खरीद सकते हैं। और मैं दूसरी बात बता दूं दोस्तों, मेरी जो कंपनी है रजिस्टर्ड होने के लिए मैं आगे दे चुका हूं और जल्दी से जल्दी रजिस्टर्ड होगी। आप जो भी कोर्स में इस बार आज से जो आएंगे बाद में उसको मैं सर्टिफिकेट जरूर दूंगा। और मैं कहना चाहता हूं जो पहले कोर्स करके गए हैं उनको मैंने सर्टिफिकेट कईयों को नहीं दिया हूं, तो मैं उनसे जो बोलता हूं कि मैं जो सर्टिफिकेट बनने लग जाएगी, मेरी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, तो मैं आपको सर्टिफिकेट बिना बोले मैं फोन करके आपको सर्टिफिकेट दूंगा। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि आप कभी भी कोर्स करने तो मुझे कॉल करें, हर चीज का सलूशन है। और इंडिया में पहली बार मैंने कंट्रोलर का कोर्स शुरू किया था हमसे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां जो कोर्स कराते हैं, इंडिया में पहली बार मैंने ई रिक्शा कंट्रोलर, ई रिक्शा रिपेयरिंग जो है चार्जर मोटर की, पहली बार मैंने स्टार्ट किया था हमसे सीख के। कोई दिल्ली में भी करा रहा है, दिल्ली से बाहर भी करा रहा है। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोलता हूँ तो आप मेरी जो वीडियो देखिए मैं कब से देर डाल रहा हूँ, और जो अब डाल रहे हैं उनकी वीडियो देखिए वो कब से डाल रहे हैं, सब ये रिकॉर्ड होता है ऑनलाइन में। आप में ना झूठ मैं बोल सकता हूँ ना वो बोल सकते हैं, उनको बोलने से भी क्या होगा आप तो खुद चेक कर लेंगे। दूसरी बात, किसके पास कोर्स करें इसके बारे में पहले आपको समझिए कि कोई कितना पुराना है। मैं 1996 से इस लाइन में हूँ, मेरा कोर्स किया हुआ है, सर्टिफिकेट है, मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ। मैं आपको कुछ दिन बाद में वीडियो दे दूंगा कि वीडियो में अब मैं अपना डिप्लोमा दिखाऊंगा कि मैं कितने साल पुराना हूँ। और जो अभी जो सीख के गए हमसे वो कोर्स करा रहे हैं उसका कितना एक्सपीरियंस होगा, और मैं 20 साल से 22 साल से हूँ उसका कितना एक्सपीरियंस होगा, ये सारी चीज आपको सोच के कोर्स करना चाहिए, ठीक है। और मैं बता दूं एलईडी टीवी, इन्वर्टर और इंडक्शन कुकर, चूल्हा और ये जो कंट्रोलर मोटर, ये सारे चीज अभी आने वाले हैं जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, ऑफिस चेंज होगी, उसके बाद सब कुछ ये आपको दोबारा फिर होगा, ठीक है। अभी जो है अभी सिर्फ मोटर कंट्रोलर चार्जर का चल रहा है, ये सारे चीज जल्दी ही एक महीने के अंदर में शुरू होने वाली है। थैंक यू दोस्तों।